लगता है बाकी बॉलीवुड एक्टर्स की तरह नसरुद्दीन शाह और उनके मीडिया सलाहकारों ने भी यही रास्ता अपनाया है कि विवादित बयान दो और अपने आने वाले फिल्म बैंगस्टर और खुद का प्रमोशन कर लो। बात तो होगी देश की, लोकतंत्र की या इनटॉलरेंस की, गंगा जमनी तहजीब बचाने की, किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की। मगर आप पिछले कुछ एक्टर्स द्वारा दिए गए बयानों को देखेंगे तो दो बात ध्यान पर आएंगी। एक, जब किसी की फिल्म रिलीज होनी होती है वह विवादित बयान देते हैं, फिर चाहे वह माई नेम इज खान से पहले शाहरुख खान का बयान हो या आमिर खान का बयान, वीरादी वेडिंग के पहले सोनम और स्वरा भास्कर हो या प्रियंका और करीना, सब ऐसा ही करते दिखते हैं। दूसरी बात, अगर सच में इनको देश और समाज की चिंता होती तो वह हर बड़े अन्याय पर खुल के अपनी आवाज उठाते, इस तरह सिलेक्टिव मुद्दे पर विवादित बयान न देते। यानी कि स्पष्ट दिखता है कि उनका यह बयान समाज में समस्या के समाधान के लिए नहीं, अपनी फिल्म या इमेज को और ज्यादा चमकाने के लिए है, खुद को आगे बनाए रखने के लिए है। नसरुद्दीन शाह अगर सच में चिंतित होते तो वह कश्मीर में टेररिस्ट द्वारा किए जाने वाले कत्लेआम पर बोलते, वह ट्रिपल तलाक और हलाला पर भी बोलते, वह बलूचिस्तान अफगानिस्तान के बारे में जुबान खोलते और साथ में यह बात करते तो माना जाता। फिलहाल तो वह अपने उद्देश्य में कामयाब दिखते हैं, चारों ओर उनके चर्चे हैं। उनकी आने वाली फिल्म बैंगस्टर, जिन पर अभी तक मीडिया और सोशल मीडिया ध्यान नहीं दिया था, वह भी नोटिस करने लगे हैं। मगर यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि ज्यादा विरोध के चलते उनको भी आमिर खान की तरह माफी ना मांगनी पड़े।